पत्नीच्या छळाला आणि न्यायालयीन खटल्याच्या जाचाला कंटाळून बंगळुरूमध्ये एका अभियंत्यावरती आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. अतुल सुभाष असं नाव असलेल्या या 34 वर्षांच्या आयटी इंजिनियरने तब्बल 24 पानी सुसाईड नोट लिहून त्यात पत्नी आणि सासूरवाडीचे नातलग तसंच फॅमिली कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी केलेल्या छळाचा उल्लेख केलाय. एवढंच नाही तर आत्महत्या करण्यापूर्वी एक लाईव्ह व्हिडिओ करत घराच्या भिंतींवरती न्यायाच्या प्रतीक्षेत असा मजकूरही त्याने इंग्रजीत लिहिला होता. आपल्याला न्याय मिळाला नाही तर आपल्या अस्थी कोणत्याही न्यायालयासमोरील गटारात फेकून द्या असा उद्विग्न संतापही त्याने आत्महत्येपूर्वी व्यक्त केलाय. या सुसाईड नोटमध्ये त्यांनी कौटुंबिक न्यायालयातील भ्रष्टाचार, खाबुगिरी आणि न्यायाधीशांचं वर्तनही चव्हाट्यावर आणलंय. मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो. अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए. मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को. और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना. ये भी लाखों रुपए कमाता है तो जरूर पकड़ा जाएगा. बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा. उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा. जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे. अगर कोई कहता 50 रुपए तो ये हर कोई देता है. ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया. तो ये तो सार्वजनिक बात है. अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाएं गटर में कोर्ट के बाहर. दरम्यान या संदर्भात आत्महत्या केलेल्या मुलाच्या वडिलांनी काय प्रतिक्रिया दिली पाहूया. उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर. और माने इतनी धारा उस पर, एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी. इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है. एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है 1:30 बजे 2 बजे. हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया है. उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहां से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुंचे 4 बजे शाम में. मतलब सर आप जानते हैं कि उनके फैमिली कुछ जो अपने वाइफ के ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं सच है वो सर? एकदम 100% सच है, 100% सच है. उसमें एक आध इल्जाम छूट गया हो तो भले ही, लेकिन जितना इल्जाम को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है. मतलब आपके बेटा हरासमेंट, बहुत हरासमेंट था उसके साथ. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.